पूरे झारखंड में आदिवासियों के हक के लिए भाजपा द्वारा आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपने दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार की देर रात साहेबगंज पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वही शनिवार को भोगना डी से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपा एसटी मोर्चा के बैनर तले आयोजित आदिवासी अधिकार यात्रा के बाइक रैली में शामिल हुए। इससे पूर्व श्री मरांडी ने वीर शहीद सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन लगातार जनता के कार्यों में जुटी रहती है। जनता की समस्याओं का समाधान करना, उनके दुख सुख में शामिल होना, यह लगा रहता है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बीते दिन यह कहने पर की गई लोग गुरु जी शिबू सोरेन बनना चाहते हैं, पर उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि झारखंड में और यहां तक कि हमारे परिवार में कोई सोरेन परिवार की तरह हो। सोरेन परिवार ने आदिवासियों की जमीन को तो औने पौने दाम में हड़पा है, इतना ही नहीं झारखंड राज्य को लेकर आंदोलन को कई बार बेचा है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमारी कोई पीढ़ी सोरेन परिवार जैसा हो। यानी जो ट्राइबल को जो अधिकार है, जो हक आज की जो वर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार, उसको सब अपने ही और अपने परिवार में ही सब उसको हड़प रहे हैं। अब उसको यहाँ के लोगों को दिलाना है, उसकी लड़ाई हमें लड़नी है। यहाँ के लोगों का जो हक वो यहाँ के लोगों को मिले। सिर्फ शिव सोरेन के परिवार ही संथाल है ऐसा नहीं है, वही परिवार आदिवासी ऐसा नहीं है। हमें यहाँ के लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा करना है। आज नहीं तो पूरा झारखंड की स्थिति देख रहे हैं, संथाल परगना की स्थिति देख रहे हैं, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यानी जितनी भी प्रकार की खनिज संपदा है, उनके दलाल, उनके बिचौलिया और भ्रष्ट अफसर सब मिलकर ये लोग लूट रहे हैं। अब ये हमें यहाँ के लोगों को हक और अधिकार दिलाना है, उसकी लड़ाई लड़ना है, उसकी शुरुआत भोगनाडी से आज कर रहे हैं। कल गाँव तो अभी काफ़ी दूर है और भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन काम करती है। उन लोगों के लिए चुनाव है, हमारे लिए तो जनता है। पहले और जनता की सेवा की काम के लिए हर हमेशा हम सब लोग लगे रहते हैं, पार्टी लगी रहती है। आपने देखा होगा कि कई कार्यक्रम सालों भर रहता है। अगर आप जिला अध्यक्ष से बात करिए या मंडल अध्यक्ष से बात करिए आपके क्षेत्र में है कि कितना क्या क्या कार्यक्रम पार्टी की ओर से आया है, तो आप जब उन कार्यक्रमों को देखेंगे कुछ दिखाई पड़ता है। हमारे जैसे लोग आते हैं तो कार्यक्रम दिखता है, क्योंकि स्वाभाविक है हम तो रोज़ नहीं आते हैं, लेकिन बाकी काम में तो 365 दिन हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं। चुनाव हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब कोई प्राकृतिक आपदा और विपदा भी होता है तो हमारे कार्यकर्ता सड़कों में निकल करके लोग काम करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के काल में भी हमारे लोगों ने गरीबों को, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन पहुंचाना, राशन पहुंचाना, उनके पैर में अगर चप्पल नहीं है तो लोग पैदल उस समय चल रहे थे, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको चप्पल भी उपलब्ध करा रहे थे। तो कहने का मतलब है कि 365 दिन पार्टी काम करती है। हेमंत सोरेन के लिए चुनाव है, हमारे लिए चुनाव महत्व नहीं रखता है। चुनाव तो एक दिन का खेल है या 14 दिन का खेल होता है, वो एक पार्ट भारतीय जनता पार्टी का काम है, जनता की सेवा। जो है आदिवासी नेता वो शिबू सोरेन बनना चाहते हैं, शायद कठाच आप ही पर किया गया है। देखिए मैंने तो कहा है कि हमारी बात को छोड़ दीजिए, हम अपने आने वाले पीढ़ियों को भी कहेंगे कम से कम उस परिवार की जैसा मत करो, क्योंकि आपने देखा कि भाई शिबू सोरेन ने क्या किया इस झारखंड आंदोलन को, एक बार नहीं कई एक बार बेचा। आज भी उसके परिवार ने पूरे झारखंड में आदिवासियों की, गरीबों का, जमीन को औने पौने दाम पर जो हड़पा है वो किसी से छुपा हुआ। हम नहीं चाहेंगे, हमारी बात तो छोड़ दीजिए, हम नहीं चाहेंगे हमारे आने वाले पीढ़ी भी उनके परिवार के जैसा लोग बने, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा।
वहीं बाइक रैली जब बरहेट बाजार पहुंची तो लोगों ने श्री मरांडी पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर दुमका सांसद सुनील मरांडी, राजमहल विधायक अनंत ओझा, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव, बोरियो के पूर्व विधायक ताला मरांडी, जिला अध्यक्ष रामदास यादव, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रेणुका मुर्मू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता रैली में शामिल थे। ऐसी और तमाम खबरों के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अटल भारत न्यूज़।